के कमांडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद, हालांकि कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे, अब रायपुर से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। मातम छाया हुआ है शिया समुदाय में। शिया समुदाय ने मोमिन पारा सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। इसराइल के हमले के विरोध में काले कपड़े पहनकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बचे युवा बुजुर्ग, इन्होंने कैंडल मार्च निकाला। नसरल्लाह के बड़े बड़े पोस्टर इनके पास है। मोमिन पारा की हैदरी मस्जिद से लेकर हुसैनी चौक तक ये कैंडल मार्च निकाला गया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वीडियो इसका वायरल हो रहा है। शिया समुदाय ने 3 दिन के बंद की बात कही थी। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर देश में इसे लेकर प्रदर्शन हुए हैं। अब राजधानी रायपुर में इसे लेकर प्रदर्शन, तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि एक आतंकी की मौत पर मातम क्यों? शिया समुदाय ने कैंडल मार्च भी निकाला, विरोध प्रदर्शन भी किया। और चलेंगे सहयोगी विश्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व के पास आपको ये चलेंगे, विश्व आतंकी की मौत पर मातम क्यों? अब ये पूछ रहा है अजय की हिजबुल्ला के कमांडर नसरल्लाह की मौत है जारी हमले के बाद थी। इसके बाद से देश दुनिया से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां लोग उस मौत का शोक मना रहे थे, श्रद्धांजलि रहे थे। ऐसी एक तस्वीर राजधानी रायपुर के मोमिन पारा से भी आई है जहां सिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रात को हाथ में कैंडल लिए हुए और नसरुल्लाह के पोस्टर लिए हुए बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी जो है मोमिन पारा से जो है वो मस्जिद से एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और शोक जता रहे हैं नसरुल्लाह की मौत का। हालांकि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, कोई इस परमिशन भी नहीं ली गई थी कि कैंडल मार्च निकालने वाले हैं या नहीं। हालांकि मोमिन पारा में 10-10 फीट बड़े पोस्टर लगाए गए थे नसरुल्लाह के, उसको शहीद बताया जा रहा है, जबकि ये आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय के जो लोग हैं वो कैंडल मार्च निकालकर जो है वो एक शोक बता रहे हैं, इसराइल का विरोध कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद जो है पुलिस ने सोशल मीडिया की जो है वो खंगालना शुरू कर दिया है और जो भी ऐसे वीडियो थे उसको जो है वो हटाया जा रहा है और जांच की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर ये कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया। 3 दिन तक सिया समुदाय ने अपनी जो है प्रतिष्ठानें, दुकानें जो है वो बंद करने का भी फैसला लिया था। इसके बाद जब इसकी सूचना पुलिस को हुई तो वहाँ से पूरे जो पोस्टर हैं उनको हटाया गया और उसके बाद पुलिस आगे की जा रही है। लेकिन सवाल लगातार यही उठता है कि जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं उसकी मौत पर आखिर शोक क्यों जताया जा रहा है? आखिर बहुत धन्यवाद विश्व आपका जानकारी के लिए, क्योंकि विश्व विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब इस वीडियो को पुलिस एक्शन